हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को क्लास 8th मैथ्स में चैप्टर 7 पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नाम है वर्ग समीकरण। तो समझ लेते हैं, सबसे पहले वर्ग समीकरण जो है, यहाँ पर हम लोग जो सवाल सॉल्व करेंगे वो कितने टाइप के होंगे। तो वर्ग समीकरण जो है, हम लोग यहाँ पर दो टाइप के सॉल्व करेंगे। जो पहला टाइप होगा वो ये होगा कि एक्स स्क्वायर बराबर के के स्थान पर यहाँ पर कोई भी अचर संख्या होगी, जिसे हम लोग यहाँ पर जो है हल करेंगे। और दूसरा टाइप है यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यहाँ पर जो आपकी ए बी सी संख्याएं हैं, ये अचर संख्याएं हैं, तो दूसरा टाइप आपका ये होगा। ठीक है, तो हम इन दो टाइपों से जो है यहाँ पर सवालों को हल करेंगे। तो आइए अब सवाल शुरू करते हैं। आपकी एक्सरसाइज का जो पहला सवाल है वो ये है। पहला सवाल कह रहा है, निम्नलिखित वर्ग समीकरणों को हल कीजिए और उत्तर की जांच कीजिए। तो सवाल है आपका एक्स स्क्वायर बराबर 18। तो ये हमारे जो टाइप वन था, एक्स स्क्वायर बराबर के, तो के स्थान पर यहाँ पर अचर संख्या क्या है, 18 है ना। इससे हम हल करेंगे। तो इसमें देखिए क्या होगा, जो यहाँ पर स्क्वायर होगा, स्क्वायर यदि हटता है और दूसरी ओर जाता है तो क्या बनता है, रूट, है ना। इसे क्या बोलते हैं, रूट, या हिंदी में इसी को वर्गमूल कहते हैं और इंग्लिश में इसे रूट कहा जाता है, का ध्यान रखिएगा। तो जब भी स्क्वायर हटता है, ये आपने वर्ग वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, जब वर्ग और वर्गमूल पढ़ा था तो वहां पर पढ़ा था, जब भी हम स्क्वायर हटाते हैं और दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तो ये किस रूप में जाता है, रूट में जाता है, तो रूट बन जाएगा ये। ठीक है, और इसके बाद फिर हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा, दूसरी तरफ ये रूट आ गया और रूट 18। ठीक है, तो यहाँ पर इसका हमें वर्गमूल निकालना है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम यहाँ पर 18 के फैक्टर कर लेते हैं, एक्स बराबर 2 × 18, 2 × 3 = 6, 3 = 18। और यहाँ पर वर्गमूल में दो दो संख्याओं के जोड़े बनते हैं, तो 3 का जोड़ा बन गया है, 3 बाहर आ जाएगा और 2 का जोड़ा नहीं बना, ये रूट के अंदर रह जाएगा। तो 3√2 प्लस और माइनस में, क्योंकि जो मान आता है यहाँ पर, ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता हैगा, तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर उत्तर की जांच भी करनी हैगी, तो देखते हैं उत्तर की जांच के लिए। उत्तर की जांच के लिए हमें पुनः सवाल को फिर से दोबारा उतारना होगा। सवाल है आपका एक्स स्क्वायर बराबर 18, और हमारा जो एक्स का मान आया वो आया है 3√2, है ना। तो एक्स की जगह पर हम क्या रखेंगे, 3√2 रखेंगे। तो x के स्थान पर जो है हमें वैल्यू रखना है 3√2 रखना है, 3√2, इस पर स्क्वायर लगा, इसलिए क्या करते हैं, स्क्वायर लगा देंगे, बराबर 18। यानी 3√2 का मतलब है, इसका पर घात 2 लगी, इसका मतलब इसका गुणा 2 बार करना है 3√2 का। तो 3√2 × 3√2 बराबर 18। 3 का गुणा 3 से करेंगे तो 9 हो जाएगा, और √2 का गुणा √2 से यदि करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। हमेशा ध्यान रखिए, यदि किसी भी रूट की संख्या का गुणा रूट की संख्या से करते हैं तो वही संख्या आती है, जैसे 2 आया। ठीक है, कैसे आया, यदि हम यहां ध्यान दीजिएगा, जब रूट हटाते हैं तो पावर जो आएगी 1/2 आती है, इंटू यहां पर भी हटाएंगे तो पावर कितनी आएगी, 1/2। और जब आधार एक जैसे होते हैं तो गुणा करने पर खाते क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं। तो यदि हम घातों को जोड़ेंगे, 1/2 प्लस 1/2, तो घातों को यदि जोड़ा जाएगा तो ये कितनी हो जाएगी, घात 1 हो जाएगी। 1/2 और 1/2 को जोड़ेंगे कितना होगा, 1 आएगा, और 2 की घात 1 का मतलब क्या होगा, 2। तो इसे हल करने पे आपने देखा, √2 का √2 में गुणा करा तो कितना आ रहा, 2 आएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये 2 आया बराबर 18। तो 9 × 2 = 18 बराबर 18, यानी दोनों तरफ मान बराबर आ रहा आपका, तो LHS बराबर RHS। ठीक है, इसका मतलब हमारा जो उत्तर है वो सही आया है। आइए हम इसका दूसरा सवाल लगाते हैं। तो दूसरा सवाल दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0। ठीक है, तो पहले हम पहले टाइप के समीकरण के रूप में लिखेंगे इसे। तो इसे क्या करेंगे, हम 25 को उठा करके दूसरे पक्ष में ले जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर बराबर 25, यहाँ पर माइनस के हैं, दूसरे पक्ष में जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा
हमेशा संख्याओं के चेंज साइन जो है चिन्ह जो है चेंज होता है। यदि संख्या माइनस की है तो प्लस की हो जाती है, और प्लस की होती है तो माइनस की होती है। तो यहाँ पर संख्या माइनस की है, इसलिए दूसरे पक्ष में जाने पर किसकी हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो यहाँ पर 25 आए। और आपको मालूम ही है यदि जीरो के साथ कोई भी संख्या जोड़िए या घटाइए उसका मान वही रहता हैगा, इसलिए जीरो के साथ जोड़ने पर 25 का मान 25 ही रहेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखिए हमारा सवाल जो है इस टाइप का बन गया है। अब हम क्या करते हैंगे, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे और दूसरे तरफ क्या लगेगा, रूट लगेगा। तो स्क्वायर हटाने पर जो है दूसरे पक्ष में क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, तो रूट 25 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए एक्स बराबर 25 का वर्गमूल निकालेंगे, 25 का वर्गमूल होता है 5। तो यानी जब 5 निकालता है वर्ग आएगा तो 5 आ गया, और ये आपका मान कैसा होगा, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता हैगा। तो 25 का वर्गमूल निकालने पर कितना आया, 5 आया, यही हमारा आंसर है। अब हमें उत्तर की जांच करनी है, उत्तर की जांच। उत्तर की जांच के लिए क्या करेंगे, हम सवाल को दोबारा उतारेंगे फिर से, एक्स स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0। ठीक है, और x की जगह पर हमें क्या रखना है, x की जगह पर हमें जो है 5 रखना है वैल्यू, क्योंकि x का मान 5 आया है, तो यहाँ पर हम 5 रख देते हैं, इस पर स्क्वायर लगे इसलिए स्क्वायर लगा दिया, माइनस 25 बराबर 0। 5 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 5 का वर्ग 25, माइनस 25 बराबर 0, 25 में से 25 का कितना बचेगा, 0, 0 बराबर 0, अतः LHS बराबर RHS है ना। तो दो तब के मान बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। अगला सवाल है, सवाल नंबर तीसरा, x अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन x बराबर 0। तो इसे भी हम जो है पहले पक्षांतर करेंगे, दूसरे पक्ष में ले जाएंगे 2 अपॉन x को। तो ध्यान दीजिए ये x अपॉन 2 ये वैसे ही लिखा हुआ है, इसे दूसरे पक्ष में ले जाएंगे, ध्यान दीजिए तो इसका क्या हुआ, चिन्ह चिन्ह हो जाएगा। यहाँ पर अभी ये किसके हैं, माइनस के हैं, दूसरे पक्ष में जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। तो यहाँ पर आने पर क्या हो गया, 2 अपॉन x प्लस के हो गए। अब हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, x का x से गुणा हो जाएगा और 2 का 2 से गुणा हो जाएगा। तो x गुणे x बराबर 2 गुणे 2, x का x से गुणा किया तो कितना हो गया, x स्क्वायर हो गया, और 2 गुणा 2 से किया तो 4 हो गया। अब देखिए फिर से हमारा सवाल जो है पहले टाइप के समीकरण की तरह बन गया, वर्ग समीकरण की तरह बन गया है। तो हम इसमें क्या करेंगे, उसी प्रकार से ही करेंगे, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो यहाँ से स्क्वायर हटा, इस पर क्या आ गया, रूट आ गया, और 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, है ना, प्लस माइनस में ही आंसर होगा। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। अब हम उत्तर की जांच कर लेते हैं, उत्तर की जांच के लिए क्या करते हैं, सवाल को दोबारा उतारते हैं। सवाल आपका क्या था, x अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन x बराबर 0, और जहां जहां सवाल में आपके x दिया है तो x का वैल्यू कितनी रखना है, हमें 2 रखना है, x का मान 2 रखना है। तो 2 को रख दिया x की जगह पर, बटे में 2 माइनस 2, x की जगह पर 2 रख दिया बराबर 0। 2 का भाग 2 में देगी तो कितनी बार जाएगा, एक बार, है ना, 2 का भाग 2 में दिया, 2 एकम 2, 2 का भाग यहाँ पर भी एक बार देंगे तो एक ही बार जाएगा, 2 एकम 2, और एक में से एक घट जाएगा कितना बचेगा, 0, तो 0 बराबर 0, यानी कि LHS बराबर RHS। यहाँ पर भी दोनों तरफ के मान क्या है, बराबर आ रहे, इसका मतलब आपका आंसर सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, 16x²-25=0। तो इसे भी हम देखिए पहले वर्ग समीकरण की तरह बनाएंगे, 25 को दूसरे पक्ष में ले जाएंगे, 16x², 25 दूसरे पक्ष में आए तो किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, और 0 के साथ जोड़ेंगे तो 25 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो 16 जो है ये गुणे के रूप में है, इन दोनों के बीच में गुणा हैगा, तो जब ये 16 दूसरे पक्ष में जाएंगे तो ये भाग के रूप में है ना, हमेशा उल्टा होता है, ध्यान रखिएगा, जब दूसरे पक्ष में ले जाते हैंगे किसी भी संख्या को तो उसका साइन चिन्ह चेंज होता है, यदि संख्या प्लस की होती है तो वो माइनस की हो जाती है, और माइनस की होती है तो प्लस की हो जाती है। ऐसी गुणे वाली संख्या जो है होती है तो वो भाग के रूप में जाती है, और भाग वाली संख्या होती है तो उसका गुणा होता है दूसरे पक्ष में जाकर के। ठीक है, तो यहाँ पर गुणे वाली संख्या इसलिए भाग के रूप में जाएगी, तो एक्स स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 25/16। ठीक है, ये 16 जो है भाग के रूप में आ गए।
अब क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो उस पर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। इसलिए x बराबर रूट 25 बटे 16। तो इसलिए x बराबर इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आएगा और 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, ये वर्गमूल आप लोग निकाल चुके होंगे, पिछले एक्सरसाइज में सिखाया जा चुका है आप लोगों को वर्ग और वर्गमूल निकालना, तो वर्गमूल निकाल लेंगे इसका। ठीक है, अब इसके बाद जो आपका ये आंसर आया है ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है, तो 5/4 आया जो हमारा ये आंसर आया है, ये सही है या गलत, इसके लिए हम उत्तर की जांच करते हैं। तो उत्तर की जांच करके देखते हैं, तो उत्तर की जांच के लिए क्या करते हैं, हम सवाल को दोबारा उतारते हैं। 16x² - 25 = 0। और जहां जहां आपके सवाल में x आया है वहां पर क्या रखना है, हमें 5/4 रखना होगा। तो 16 × x की जगह पर 5/4, इस पर स्क्वायर लगा इसलिए क्या कर देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, -25 = 0। तो 16 × 5 का वर्ग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25, और 4 का वर्ग करेंगे तो 16 - 25 = 0। 16 से ये 16 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर, 25 - 25 = 0। इसके बाद चलिए यहाँ कर देते हैं, 25 में से 25 जाएंगे तो क्या बचेगा, 0 = 0, यानी कि LHS = RHS। ठीक है, तो ये सवाल भी हमारा क्या हो गया है, प्रूव्ड हो गया है, बराबर निकला है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। अब आइए अगला सवाल, और पहले का ये आप सवाल बताने जा रहे हैं आपको, पांचवा सवाल, z² - 49 = 0। ठीक है, इसको भी इसी प्रकार से करेंगे, 49 को दूसरे पक्ष में ले जाएंगे हम, तो z² = 49 इस तरफ आए तो इसके हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, यहां से स्क्वायर हटेगा इस पर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, रूट 49 का वर्गमूल निकालेंगे तो z बराबर कितना बचेगा, 7 बचेगा, इसे धनात्मक और ऋणात्मक रूप में लिख देंगे, यही हमारा आंसर है। ठीक है, z का मान कितना आ गया, 7। अब इसे हम उत्तर की जांच करके देखते हैं, तो उत्तर की जांच के लिए हम सवाल को दोबारा उतारते हैं। सवाल है z² - 49 = 0। तो z का मान कितना है, 7 आया, 7 रख देते, इस पर स्क्वायर लगा दिया, -49 = 0। 7 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 49 आएगा, 49 - 49 = 0। 49 में से 49 कट जाएंगे, कितने बचेंगे, 0 = 0। तो LHS = RHS। ठीक है, ये सवाल भी हमारा हल हो गया आएगा। इसके बाद नेक्स्ट आएगा अगला सवाल, सवाल नंबर 6, 0.04x² - 0.25 = 0। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें दशमलव लगा हुआ है इसलिए कैलकुलेशन को बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग। ठीक, इसी प्रकार से इसे भी करेंगे, सबसे पहले है ना 0.25 को दूसरे पक्ष में ले जाएंगे हम, तो 0.04x² = ये माइनस के हैं, दूसरे पक्ष में जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, 0.25। ठीक है, अब इसके बाद 0.04 को जो है दूसरे पक्ष में लाएंगे तो ये गुणे के रूप में है, तो यहाँ पर आएंगे तो भाग के रूप में आ जाएंगे, इसलिए x² = हो जाएगा 0.25/0.04। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर इनका दशमलव समाप्त कर देते हैं, क्योंकि इसमें भी दशमलव दो अंक बाद है, ऊपर भी और नीचे भी दशमलव दो अंक बाद है, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया। अब संख्या क्या बची आपकी, x² = ऊपर 25 है और नीचे 4, तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा इस पर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा 25/4। इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5, और बटे में 4 का वर्गमूल 2। ये आपकी संख्या धनात्मक ऋणात्मक हो सकती है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, 5/2 हमारा आंसर आ गया है। और इसके बाद उत्तर की जांच कर लेते हैं,
तो उत्तर की जांच के लिए हम दोबारा पुनः देखते हैंगे, सवाल को तार लेते हैं। 0.04x² - 0.25 = 0। ठीक है, तो जहां पर x है वहां पर हमें क्या रखना है मान, 5/2। तो 0.04 × x की जगह पर 5/2, इस पे स्क्वायर लगा हुआ है x पे, इसलिए यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, और माइनस के 0.25 वैसे ही लिखा हुआ है बराबर 0। तो 0.04 × 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है, और 2 का वर्ग 4, इसे वर्ग कर लिया हमने क्योंकि वर्ग लगा हुआ था, -0.25 = 0। चलिए यहाँ पर हम ये इसका दशमलव हटा लेते हैं, दशमलव हटाएंगे तो 2.2 अंक बाद था, तो यहाँ पर 2 0 बढ़ा दिया आपने। ठीक है, और 4 से काटेंगे इसे तो कितनी बार में कटेगा, 100 बार में कट जाएगा। अब ये हो गया है 25/100 -0.25 = 0। यदि हम 100 से भाग देंगे 25 में तो 0.2 अंक बाद पहले लग जाएगा, क्योंकि जब 100 से भाग दिया जाएगा तो 100 में 2 0 होते हैं, इसलिए इसमें 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, तो 0.25 हो जाएगा भाग देने पर। ठीक है, यदि हम इसे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा, -0.25 = 0। 0.25 में से 0.25 घटा दो कितना बचेगा, 0 बचेगा, बराबर 0। तो आता है LHS बराबर RHS। ठीक है, ये हमारा आंसर सही है। चलिए अगला सवाल करते हैं। अब अगला सवाल है हमारा 7वां सवाल, नंबर 7। -kax² + c = 0। ठीक है, -kax² + c = 0। तो सबसे पहले हम इसी अचर संख्या को दूसरी तरफ ले जाते हैंगे, यानी c का, तो माइनस का ए एक्स स्क्वायर बराबर c दूसरे पक्ष में जाएंगे तो किसके होगा, माइनस के होगा, और 0 के साथ जोड़ेंगे या घटाएंगे तो मान वही रहता है, माइनस से ही रहेगा। ठीक है, अब दोनों तरफ माइनस है इसलिए क्या करेंगे, माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, और इसके बाद ए एक्स स्क्वायर बराबर क्या बचा, सी बचा। अब हम ए को बटे में ले जाएंगे, इसलिए एक्स स्क्वायर बराबर सी बटे ए। ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर क्या आया, सी बटे ए आया, यहाँ से स्क्वायर हटेगा इस पर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, तो सी अपॉन ए। ठीक है, और क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, इसे धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, तो यही हमारा मान आया। ठीक है, अब हमें जांच करनी है उत्तर की, कि हमारा ये सवाल सही है या गलत। सॉल्व कर लेते हैं, उत्तर की जांच करके देखते हैं। उत्तर की जांच, तो उत्तर की जांच के लिए हम सवाल को पुनः उतारेंगे, -kax² + c = 0। ठीक है, जहां x है वहां पर हमें क्या रखना है, रूट सी अपॉन ए, तो -a × इसकी जगह पर रखना है रूट सी अपॉन ए, इस पर स्क्वायर लगे इसलिए क्या कर देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, +c = 0। ठीक है, अब इसके बाद माइनस का a इंटू, जब ध्यान दीजिएगा आपसे बताया होता है, जब रूट का गुणा रूट, जैसे रूट दिया हुआ है सी अपॉन ए गुणे रूट सी अपॉन ए, जब रूट का रूट से गुणा करते हैं तो रूट कैंसिल हो जाता है, खाली संख्या बचती है। जैसे आपने अभी देखा था पिछले सवाल में, रूट टू का गुणा रूट टू से किया तो खाली क्या बचा था, टू बचा था, है ना। ऐसे ही यहाँ पर रूट सी अपॉन ए का गुणा रूट सी अपॉन ए से करेंगे तो क्या बचेगा, सी अपॉन ए बचेगा, सी अपॉन ए, क्योंकि रूट हट जाता है। ठीक है, +c = 0। अब इसके बाद ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या बचेंगे, माइनस का सी बचा और यहाँ पर प्लस का सी बचा, तो जितने प्लस के उतने ही माइनस के कट जाएंगे, क्या बचेगा, 0, 0 = 0। यही हमारा आंसर आ जाएगा, LHS = RHS। ठीक है, इसका मतलब हमारा आंसर जो आया था रूट सी अपॉन ए वो सही है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, -2x² - 18 = 0। ठीक है,
तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या करेंगे, वही उसी प्रकार से 18 को दूसरे पक्ष में ले जाएंगे, 2x² बराबर 18 दूसरे पक्ष में आएंगे तो किसके हो जाएंगे, ये प्लस के हो जाएंगे, और जीरो के साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा, वही 18 ही आएगा। और इसके बाद अब यहाँ पर दो गुणे के रूप में है, दूसरे पक्ष में जाएंगे तो ये भाग के रूप में आएंगे, x² बराबर 18/2, दो से काट देंगे, 2 × 18, तो x² बराबर क्या बचा, 9। यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इस पर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, और 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, और इसका आंसर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता आएगा, ठीक है, तो 3 आया। अब इसके बाद जो है हम उत्तर की जांच कर लेते हैं कि हमारा आंसर जो आया वो सही है या गलत है। तो उत्तर की जांच के लिए क्या करते हैं, हम सवाल को पुनः उतारते हैं। सवाल है आपका 2x² - 18 = 0, ठीक है, तो 2x की जगह पे हमें क्या रखना है, x का मान हमें 3 रखना है, तो x की जगह पे क्या रखा, 3 रखा, इस पर स्क्वायर लगा इसलिए स्क्वायर लगा दिया, -18 = 0, तो 2 × 3 का वर्ग कितना होता है, 9, -18 = 0, 9 × 2 = 18, 18 - 18 = 0, 18 में से 18 जाएंगे क्या बचेगा, 0, 0 = 0, यानी कि LHS बराबर RHS, हमारा इसका मतलब आंसर सही है क्योंकि दोनों तरफ के मान बराबर आए हैंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, x² / 4 = 9, ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो 4 है ये भाग के रूप में है। देखिए जितने भी तक हम लोग सवाल लगा रहे हैं ये सब पहले टाइप के ही हैंगे सब में सवाल, ठीक है, अभी आप दूसरा टाइप इस्तेमाल नहीं हुआ है, कोई भी यूज़ नहीं हुआ है, आगे के सवालों में होगा, लेकिन अभी हम लोग जो है इसी तरह के सवालों को यूज़ कर रहे थे पहले टाइप में ही। तो x² / 4 = 9 है, 4 यहाँ पर भाग के रूप में, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, इसलिए x² = 9 × 4, x² कितना हो जाएगा, 9 × 4 = 36, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इस पर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, और जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 6 आएगा, ये आपका मान जो होगा वो धनात्मक भी होगा और ऋणात्मक भी होगा, ठीक है। अब हमें उत्तर की जांच करना है, उत्तर की जांच के लिए क्या करते हैं, सवाल को पुनः उतारते हैं। तो x² / 4 = 9, एक्स की जगह पर क्या रखना है, 6 रखना है, तो 6 पे स्क्वायर लगा, स्क्वायर लगा देंगे, यहाँ पर एक्स पे स्क्वायर लगा था इसलिए स्क्वायर लगाया जाएगा, 4 = 9, 6 का वर्ग करेंगे कितना होगा, 36 होगा, 4 = 9, 4 का भाग देंगे 36 में, 4 × 36, तो 9 = 9, अतः LHS = RHS, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 10, और सवाल है x² - 256 = 0, तो इसी प्रकार से करेंगे, 256 दूसरे पक्ष में ले जाएंगे उठा करके, x² - 256 इस तरफ आते किसके हो गए, प्लस के हो गए, 256, ठीक है, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो क्या आ जाएगा, इस पर रूट आ जाएगा 256, और 256 का वर्गमूल निकालेंगे, ये 256 जो है वर्ग होता है ये होता है 16 का, तो 16 आएगा, और ये आपका मान धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी, ठीक है। जो हमारा आंसर आया है 16, ये सही है या गलत, इसके लिए जांच करके देख लेते हैं। तो उत्तर की जांच करते हैं, उत्तर की जांच इसके लिए क्या करते हैं, सवाल को दोबारा उतारते हैंगे, x² - 256 = 0, तो एक्स की जगह पे हमें क्या रखना है, 16 रखना है, तो यहाँ पर रख दिया 16, इस पर स्क्वायर लगा इसलिए स्क्वायर लगा देंगे, -256 = 0, 16 का वर्ग करेंगे कितना होगा, 256 -256 = 0, 256 में से 256 घट जाएंगे क्या बचेगा, 0 बचेगा, 0 = 0, अतः LHS = RHS, ठीक है, क्लियर। चलिए जो सवाल पहले के सभी सवाल समाप्त हो चुके, 10 सवाल दिए थे हमने आपको, 10 सवाल बता दिए हैं पूरे 10। अब सवाल नंबर 2 शुरू करते हैं, और इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल करना हैगा, ठीक है, तो यहाँ पर भी गुणनखंड विधि अपनाना है। चलिए सवाल
देखिए सवाल नंबर दो का पहला सवाल है, यहाँ पर सवालों को जो हम लोग निम्नलिखित समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल करना है, ठीक है, गुणनखंड विधि अपनाना है यहाँ पर हमें। और सवाल नंबर दूसरे का पहला सवाल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 32 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पर जो है जो दूसरा टाइप हमने आपको बताया था हल करने का है ना, इसी टाइप से हमारा सवाल मिल रहा है आपको। यहाँ देख सकते हो आप कि यहाँ पर है ना अचर संख्या यहाँ पर एक मानी जाए, जब कोई संख्या नहीं होती तो एक मानते हैं, यहाँ पर जो है 18 है और यहाँ पर क्या है 32 है हमारी अचर संख्या, ठीक है। तो दूसरे टाइप से मिलता जुलता सवाल है। अब यहाँ पर समझ लीजिए जब यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, यहाँ पर हम क्या मानते हैं एक मानते हैं, तो बाहरी पदों का गुणा करा जाता है, एक का गुणा 32 से करेंगे तो क्या आएगा 32 आएगा। यानी हमें ऐसी दो संख्याएं बताना है जिसका गुणनखंड कितना हो 32, यानी उनका आपस में गुणा करने पर कितना है, गुणा करने पर गुणनफल 32 आए, और यदि उन्हें आपस में जोड़ा जाए तो कितना आए 18 आए। ऐसी दो संख्याएं जिन्हें आपस में गुणा करने पर कितना आना चाहिए 32 आना चाहिए और जोड़ने पर कितना आना चाहिए 18। तो 16 और 2 है ना, 16 दूनी 32, यदि हम 16 और 2 का गुणा करें तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, और 16 और 2 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 18, है ना। यही तो हमें चाहिए था कि गुणा करने पर कितना आना चाहिए 32 आना चाहिए गुणनफल हमारा, तो 32 आ रहा है गुणा करने पर 16 और 2 का गुणा करने पर। और यदि जोड़ा जाए 19 19 संख्याओं को है ना, जो गुणनखंड आपने लिए हैं, यदि 19 संख्याओं को जोड़ा जाए तो कितना आना चाहिए जो योगफल 18 आना चाहिए, तो आपका जोड़ने पर 18 आ रहा है। तो वो दो गुणनखंड कौन कौन से हैं, 16 और 2, ठीक है। चलिए हल करते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 18 की जगह पर क्या रखेंगे हम, 16 प्लस 2, ठीक है, ब्रैकेट में करके लिखिए, प्लस एक्स बराबर और प्लस 32 बराबर 0। आप देख सकते हो कि 18 की जगह पर केवल 16 प्लस 2, बाकी सारा सवाल आपका सेम वैसे ही चल रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस 18 के जो गुणनखंड किए हुए थे हमने 16 प्लस 2 वो लिखे हुए हैं, केवल एक्स वैसे ही लिखा हुआ है, प्लस वैसे ही 32 बराबर 0 है ना। इसके बाद एक्स स्क्वायर और इसके बाद एक्स का गुणा 16 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 16x, और इसी एक्स का गुणा 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 2x। यानी ब्रैकेट हमें खोलना है, ब्रैकेट खोलने का नियम होता है कि जो ब्रैकेट के बाहर संख्या होती है या चिन्ह होता है उसका गुणा करा जाता है। तो ब्रैकेट के बाहर क्या है एक्स है, इसलिए एक्स का जब गुणा करेंगे 16 से तो कितना आ जाएगा 16x, और एक्स का गुणा 2 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x, और प्लस ये 32 वैसे ही उतार लिया आपने बराबर 0, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा तीसरे वाले पद में आपको तीसरा जो लाइन है आपकी इसमें यहाँ पर चार पद आ रहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। और इसके बाद हम क्या करेंगे, आगे के दो पदों में कॉमन देखिए क्या है, आगे के दो पदों में कॉमन क्या है वो लेते हैंगे। तो आगे के दो पदों में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, क्या कॉमन है एक्स, तो यहाँ से एक्स निकाल लिया, यहाँ से क्या बचेगा अब एक एक्स, क्योंकि घात दो है, दो एक्स, यहाँ पर एक्स गुड़े एक्स, एक एक्स निकाल लिया तो कितना बचेगा एक बचेगा, प्लस यहाँ पर एक ही एक्स निकल गया बाहर है ना, कॉमन लेने का मतलब होता है भाग दें, जब भाग दोगे तो कट जाएगा ये एक्स, कितना बचेगा केवल 16 बचेगा। ऐसे ही पीछे के दो पदों में से आपके आप जो पीछे के दो पद हैं ये वाले, इसमें से कॉमन देखेंगे, पहले हमने आगे के दो पदों में कॉमन लिया था, अब इसके बाद पीछे के दो पदों में कॉमन लेंगे। तो इन दोनों पदों में क्या कॉमन है, दो कॉमन है, क्या कॉमन है दो, तो हम दो कॉमन ले लेंगे, यहाँ से प्लस 2 कॉमन लिया तो यहाँ से बचेगा एक्स, क्योंकि दो बाहर निकल गया कॉमन के रूप में, एक्स बचा, और इसके बाद प्लस 2 का भाग देंगे 32 में, कितनी बार जाएगा 16 बार जाएगा बराबर 0। अब हम दो पद बचे आपके है ना, एक पद ये बचा हुआ है, एक पद ये बचा, अब दोनों पदों में कॉमन देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर पहले पद में और दूसरे पद में दोनों पदों में क्या कॉमन दिख रहा है, एक्स प्लस 16 कॉमन दिखाई दे रहा है, जो ब्रैकेट के अंदर है वही कॉमन दिखाई दे रहा है हमें। तो हमने एक्स प्लस 16 कॉमन ले लिया, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ से क्या बचा एक्स बचा, और यहाँ से क्या बचा है आपका दो बचा प्लस 2 बराबर 0। अब हम इन दोनों को जो है 0 के बराबर करके लिख सकते हैं, पहले से लिखते हैं x प्लस 16 बराबर 0, इसलिए x बराबर क्या आएगा 16 आएगा, ठीक है। और दूसरा वाला क्या दिया हुआ था, x प्लस 2 बराबर 0, इसलिए x बराबर क्या आएगा माइनस के 2, सॉरी यहाँ भी माइनस के ही होगा, 16 जब दूसरे पक्ष में ले जाओगे आप तो किसके हो जाएंगे माइनस के, यहाँ भी जब दूसरे पक्ष में ले जाएंगे 2 को तो किसके हो जाएंगे ये माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। तो यही हमारा आंसर आ गया है। चलिए अब दूसरा सवाल लगा लेते हैं तो हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक सवाल हम और लगाते हैं आगे तो जो भी हमारा डाउट चला गया होगा वो और क्लियर हो जाएगा। दूसरा सवाल है इसका, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14
और बराबर जीरो। ठीक है, यहाँ भी पहले वाले पद में जो एक्स स्क्वायर है आपका, यहाँ पर क्या है, एक है इसका गुणांक, ठीक है, और यहाँ पर कितना है, चौदह है, एक और चौदह गुणा करेंगे तो क्या आएगा, चौदह आएगा गुणनफल। यानी गुणा करने पे कितना आना चाहिए, चौदह आना चाहिए, और जोड़ने पर है ना या घटाने पर कितना आना चाहिए, नौ आना चाहिए। तो ऐसी दो संख्याएँ जिन्हें का गुणा करा जाएगा तो गुणनफल कितना आना चाहिए, चौदह आना चाहिए। तो सात और दो, सात दूनी चौदह, सात और दो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, नौ हो जाएगा। ठीक है, हमारे गुणनखंड मिल गए होंगे, तो सात और दो का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, चौदह, और सात और दो को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, नौ। ठीक है, गुणनफल जोड़ने पर, तो इसे हल करते हैं आगे। एक्स स्क्वायर वैसे ही लिखा हुआ है, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर माइनस लगा हुआ तो माइनस लगाएंगे और ब्रैकेट में क्या रख देंगे, सेवन प्लस टू ब्रैकेट बंद एक्स माइनस के चौदह, सॉरी प्लस के चौदह है बराबर जीरो। अब जब हम यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे, ध्यान रखिएगा ये पहला पद वैसे उतार दिया सेम, क्योंकि अब हमें ब्रैकेट खोलना है। तो हमने क्या बताया था, जब ब्रैकेट खोलते हैं तो जो बाहर चिन्ह होता है उसका चिन्ह का भी गुणा करते हैं, यदि कोई संख्या होती है तो उस संख्या का भी गुणा करते हैं, चाहे वो चर हो या अचर। ठीक है, बाहर यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर माइनस है, तो जब माइनस का, जब बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है और ब्रैकेट ओपन करते हैं तो अंदर के चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। जो भी संख्या प्लस की होती है वो किसकी जाती है, माइनस की जाती है, यदि वो माइनस की होती है तो प्लस की जाती है। तो ब्रैकेट के अंदर जो दोनों संख्याएं हैं वो किसकी आएंगी, प्लस की आएंगी, और जब ब्रैकेट खोलेंगे तो किसकी हो जाएंगी, वो माइनस की हो जाएंगी। तो माइनस के सात और एक्स का गुणा करेंगे तो क्या होगा, सात एक्स। ऐसे ही माइनस के दो और एक्स का गुणा करेंगे हो जाएगा टू एक्स। तो माइनस के सेवन एक्स और माइनस के टू एक्स, आप चाहो तो जोड़ के देख लो, माइनस के नाइन एक्स आएगा। माइनस के सात एक्स और माइनस के दो एक्स को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, माइनस के नाइन एक्स। ठीक है, और ये प्लस चौदह वैसे ही उतार लिया, बराबर जीरो। अब आगे के दो पदों में कॉमन देखते हैं क्या है, आगे के दो पदों में कॉमन है एक्स, तो यहाँ से क्या बचेगा, एक्स यहाँ से बचेगा माइनस के सात। अब पीछे के दो पदों में कॉमन लेंगे उसी प्रकार से जैसे पहले सवाल में किया था, पहले आगे के दो पदों में कॉमन लिया हमने एक्स था, तो यहाँ से बचेगा एक्स, यहाँ से बचा सात। अब पीछे के दो पदों में क्या कॉमन है, यहाँ पर हमें माइनस के दो कॉमन दिखाई दे रहे हैं। जब हमने माइनस कॉमन ले लिया है तो अब इनके चिन्ह भी बदल जाएंगे, ध्यान रखिएगा, है ना, प्लस में तो नहीं बदलते, जब बाहर प्लस था तो कोई चिन्ह से मतलब नहीं होता है, तो वही सेम चिन्ह आते हैं, लेकिन जब माइनस ले लेते हैं बाहर कॉमन तो फिर क्या होगा, अंदर के पदों के चिन्ह बदल जाते हैं। तो अभी संख्या किसकी, माइनस की है तो किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, और ये संख्या प्लस की है तो किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर जब दो निकल गए बाहर तो क्या बचेगा, यहाँ पर एक्स बचा प्लस का, और ये माइनस के कितने बचेंगे, दो का भाग दे चौदह में, कितनी बार जाएगा, सात बार, सात बचेगा माइनस के, बराबर जीरो। अब हमारे पास ये दो पद बचे हुए हैं, इन दोनों में देखते हैं क्या कॉमन है। तो जो ब्रैकेट के अंदर दिखाई दे रहा है आपको एक्स माइनस सात यहाँ पर भी है और एक्स माइनस सात यहाँ पर भी है, तो हमारा कॉमन क्या है अब, एक्स माइनस सात। तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ से एक्स बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा, माइनस के दो, बराबर जीरो। अब हम दोनों को जो है पदों को जीरो के बराबर लिखते हैं, पहले इसे लिखते हैं एक्स, ठीक है, माइनस सात बराबर जीरो है, सात दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर सात, पहला आंसर हमारा। दूसरा क्या दिया हुआ है, एक्स माइनस दो बराबर जीरो, इसलिए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, ये हमारा दूसरा आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे दो आंसर आ गए हैं। और अब हम अगला सवाल लगाते हैं इसके बाद, दूसरे का सवाल नंबर है तीसरा, एक्स स्क्वायर प्लस ग्यारह एक्स प्लस तीस बराबर जीरो। ठीक है, ऐसी दो संख्याएं जिसका गुणा करने पे गुणनफल कितना आना चाहिए, तीस आना चाहिए, है ना, और जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए, ग्यारह। तो ऐसी दो संख्याएं आपको बताना है जिनको यदि हम जोड़ते हैं तो तीस आए, और यदि हमें घटाया या जोड़ा जाता है तो कितना आना चाहिए, ग्यारह आना चाहिए। ठीक है, तो वो हमारी संख्याएं हो सकती हैं, यहाँ पर एक मिनट इसे हम पहले रफ कर दें। छः और पाँच, यदि हम छः और पाँच को करें, छः पंजे तीस, और यदि छः और पाँच जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ग्यारह आ जाएगा। ठीक है, तो वो दो गुणनखंड हमें मिल गएंगे, छः और पाँच, यदि हम इनका गुणा करेंगे तो तीस आएगा, यदि इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ग्यारह हो जाएगा।
ठीक है, हल करते उसी प्रकार से एक्स स्क्वायर वैसे ही लिखा हुआ है, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 + 5x + 30 बराबर 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर वैसे ही लिखा हुआ है, x का अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस के 6x + 5x + 30 बराबर 0। आगे के दो पदों में पहले कॉमन लेंगे उसी प्रकार से, तो क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पर, तो x ले लिया यहाँ से, ये बचेगा x + 6 और पीछे के दो पदों में क्या कॉमन है, +5 कॉमन है, तो जब 5 ले लिया तो यहाँ से बचेगा x प्लस यहाँ से 5 × 6 = 30 6 बराबर 0। अब इन दोनों पदों में क्या कॉमन है, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है जो ब्रैकेट के अंदर x + 6 है वही कॉमन है, तो x + 6 कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बचेगा x और यहाँ से क्या बचा 5 बराबर 0। ठीक है, अब इसके बाद इन दोनों को जो है हम 0 के बराबर लिखते हैं, पहले x + 6 को लिखेंगे 0 के बराबर, 6 को दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो इसके हो जाएंगे ये माइनस के हो जाएंगे, तो x बराबर -6 और दूसरा दिया हुआ है आपका x + 5 बराबर 0, इसलिए क्या हो जाएगा 5 दूसरे पक्ष में जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 5 हो जाएंगे, ये हमारा दूसरा आंसर है। ठीक है, तो -6 और -5 ये इसके गुणनखंड आ गए आपके। अब इसके बाद अगला सवाल है, सवाल नंबर चौथा,3x² + 10x - 25 = 0। ठीक है, जैसे कि हमने आपको बताया था कि सबसे जो अचर संख्याएं हैं है ना, बाहरी पद है, इनका आपस में गुणा कर लेते हैं, तो 3 और 25 का गुणा कर लेंगे, 25 और 3 का गुणा किया, 25 + 75 आ गया, यानी गुणा करने पर आना चाहिए जो गुणफल आना चाहिए वो 75 आना चाहिए और जोड़ने पर या घटाने पर कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। ठीक है, गुणा करने पर कितना आना चाहिए, गुणफल 75 आना चाहिए और जोड़ने पर या घटाने पर कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। ठीक है, तो गुणफल हमारी संख्या मिल जाएगी 15 और 5, 15 × 75 और 15 में से 5 घटा देंगे कितने बचेंगे, 10। ठीक है, तो वो संख्या मिल गई हमें, दो संख्याएं कौन कौन सी, 15 और 5, 15 और 5 का गुणा करेंगे तो कितना गुण फल 75 आ रहा है और 15 में से 5 घट जा रहे कितने बचेंगे, 10, क्योंकि हमें 10 चाहिए था। ठीक है, तो जोड़ने या घटाने पर हमें जो संख्या चाहिए वो मिल गई है और गुणफल भी 75 मिल गया हमें। ठीक है, तो 15 और 5 है वो संख्याएं। ठीक है, सवाल शुरू करते हैं, 3x² + ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 15 - 5 और बाहर x है -25 = 0, x का अंदर गुणा कर देंगे 3x² + 15x - 5x - 25 = 0। आगे के दो पदों में कॉमन देखते हैं क्या है, तो आगे के दो पदों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 3x, 3 भी दोनों में चला जाएगा भाग और x का भी चला जाएगा, तो 3x कॉमन है, 3 और x, जब यहाँ से इस पहले पद से 3x कॉमन निकालोगे खाली क्या बचेगा, x बचेगा, क्योंकि 3 निकल गया है और 1 x निकल गया, तो 1 x बचेगा, प्लस 3 का भाग देंगे 15 में कितनी बार गया, 5 बार गया, और 1 x था वो कॉमन के रूप में निकल चुका, तो यहाँ पर अंदर क्या बचेगा, x + 5। अब पीछे के दो पदों में कॉमन देखते हैं, तो पीछे के दो पदों में एक तो माइनस कॉमन है और दूसरा 5 कॉमन ले लिया हमने यहाँ पर। ठीक है, जब माइनस कॉमन ले लिया है तो दोनों के चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, ये दोनों संख्याएं आपकी माइनस की हैं तो किसकी हो जाएंगी, प्लस की हो जाएंगी। ठीक है, और 5 बाहर निकल गया तो खाली यहाँ से क्या बचेगा, x बचेगा और प्लस 5 का भाग देंगे 25 में कितनी बार जाएगा, 5 बार ही जाएगा बराबर 0। अब दोनों पदों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, x + 5,